आजादार हो तैयार मुहर्रम के लिए, हो ना कमी इसमें अशकों के लिए, बाकी है पूरी जिंदगी खुशियों के लिए, बाकी है पूरी जिंदगी खुशियों के लिए, करेगा आजादारी जो तू शब्बीर अलैहिस्सलाम के लिए, बीबी फातिमा जहरा सलामुन अलैहा करेगी दुआ तेरी खुशियों के लिए। एक नारा हैदरी फिर आ गया जमाना अजा का हुसैनियो, दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैनियो, रोवो के जिसका कोई नहीं था हुसैनियो, रोवो के जिसका कोई नहीं था हुसैनियो, तुमको दुआएं देती है जहरा हुसैनियो। हुसैनियत जिंदाबाद, इमाम जमाना सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. مرة دیگر صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. حسین تجھ کو सितारे सलाम कहते हैं, कलाम पाक के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हारे नाज उठाए खुदा ने बचपन में, हुई है परवरिश मस्जिदों की आंगन में, हुई है परवरिश मस्जिदों की आंगन में, मदीने के वो नजारे सलाम कहते हैं। फरिश्ते ईद के दिन तो फिले के आते थे,
तुम्हारे वास्ते जन्नत से कपड़े लाते थे, तुम्हारे वास्ते जन्नत से कपड़े लाते थे, इलाहियत के इशारे सलाम कहते हैं। हुसैन आते नहीं वक्त पर तो क्या होता, मुसलमा भूल गए हो ते नाना का कलमा, मुसलमा भूल गए हो ते नाना का कलमा, जुलाल कौम पिवारे सलाम कहते हर एक खून का कतरा था डूबा रातों में, बला का दर्द था आशूर की नमाजों में, बला का दर्द था आशूर की नमाजों में, नबी के राज दुलारे सलाम कहते हैं। बलाए लेती है अब तक हुसैनियत की प्यास, तड़पती मौजों से कहते है हजरते अब्बास, तड़पती मौजों से कहते है हजरते अब्बास, हर एक नदी के किनारे सलाम कहते हैं। हुसैन तुझको सितारे सलाम कहते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, कल हमने साथ में मिलकर एक सवाल को पेश किया था और साथ में मिलकर ये गुफ्तगू की थी कि हर कौम के अंदर यही शिकायत सुनने में आती है कि हमारे यहाँ हर साल आज सदियों से इतने उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं, इतने ज़ाकिरीन किराम तशरीफ लाते हैं, फिर भी यूं लगता है जितना असर होना चाहिए उतना असर नहीं दिखता, जितनी तरक्की होनी चाहिए उतनी तरक्की दिखने में नहीं आती। आखिरकार वजह क्या है, सबब क्या है, क्यों जितना असर तकरीरों से होना चाहिए उतना असर नहीं हो पाता? तो कल हमने इसी सवाल का एक जवाब दिया था, और ये कहकर कि ये कोई नबी का जवाब नहीं न कोई इमाम का जवाब नहीं, फकत एक गुफ्तगू है हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात की जबान से हमको बयान किया कि ऐ लोगों याद रखना, कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुवा अबतर, कोई भी मुद्दे का काम अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू नहीं किया जाएगा तो वो काम अधूरा रह जाएगा, अबतर रहेगा, उसका असर दिखने में नहीं आएगा, उसका असर बाकी नहीं रहेगा। इसलिए हमने कहा कि हो सकता है कि मजलिसों का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि मजलिस सुनने वाले इस काम को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू नहीं करते। तो आज तो तमन्ना है, अभी अभी दुआ की बात हमने की
दिल की तो दुआ यही थी कि आज यहाँ पर जितने लोग आएंगे और आए होंगे उन्होंने आज का काम जरूर बिस्मिल्लाह से शुरू किया होगा, किया है आज बेशक बेशक। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए दूसरी बात यह है कि अगर बिस्मिल्लाह का हमने जवाब दे दिया तो आज इसी सवाल का एक दूसरा जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमने ये भी कहा था कि मुश्किल अगर कहीं पर है तो या तो सुनने वालों में है या सुनाने वाले में है। और जवाब हमने यही कहा था कि मुश्किल या गड़बड़, ये उर्दू लफ्ज नहीं गुजराती लफ्ज है, गड़बड़ ये दोनों तरफ से होती है। पढ़ने वाला भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, हालांकि पढ़ने वाले को जिसको हम आलिम कहते हैं उसका दर्जा परवरदिगार आलम ने कितना बुलंद किया है। इतने लोगों की तारीफ परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में की है, लेकिन जैसी तारीफ खुदावंद करीम ने उलमाए किराम की है इतनी किसी की भी नहीं की। कुरान का इरशाद है सूरह फातर में, कुरान मजीद का 35वां सूरह है, आयत का निशान है 28। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिही अल उलमा। हकीकत में अगर कोई जात है जो हकीकत में खुदा से डरती है, खशियत परवरदिगार रखती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उलमा है। क्यों सिर्फ और सिर्फ? क्योंकि खुदा वंद करीम ने यह बात समझाने के लिए हर्फ हस्र को इस्तेमाल किया है। यही इन्नमा को कहीं और सुना है आपने? सुना होगा जरूर, कहां सुना है भाई बताओ? जी सुनाई नहीं देता अहसद। तो इरशाद रब्बुल इज्जत कहां पर हुआ? सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, सूरह भी 33वां, आयत भी 33वीं, वहां पर यही इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो ये आयत भी वहां भी कह दिया कि अहले बैत में इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता, हर्फे हस्र है। और कहीं सुना ये इन्नमा? कहीं और तो सुना होगा? अच्छा इन्नमा वयुकुमुल्ला ये कहां पर वाक़े है? तो मैंने घर पे बात की थी कि यहां पर सिगरेट को याद कीजिए, आपके यहां मिलती होगी 555 555, सिगरेट आती है 555। ये सूरह माईदा की 55वीं आयत है, चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 55। उसी में यह बात आई कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, फकत और फकत आपका वली कौन है जिसका जिक्र किया गया। यहां पर भी खुदा ने कहा उलमा हजरात वो ये कि जो खुदा से डरते हैं। लेकिन फिर भी बात यह है कि वही उलमाए किराम हमारे दरमियान आते हैं, या तो उलमा की सिलेक्शन में कहीं पर गड़बड़ है या तो खुद आलिम में कोई गड़बड़ है। कल हमने बात की सुनने वालों की, आज बात करेंगे सुनाने वालों की। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए हम खोजा शिया इसनाशरी है, मैंने कहा हमारी कौम जो है वो माशाल्लाह ताला पैसे वाली कौम है, गुजराती में जिसको कहते हैं व्यापारी कौम छे अपने। और जहां असा के दियो अभी भी किसी से मुलाकात हुई, मैंने नाम पूछा कहा आपका फैमिली नेम का क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा फैमिली नेम है देवजी। मैंने कहा आप देने वालों में से हो, कुछ लोग लेवजी होते हैं जो लेने का ही काम जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ देवजी लोग बहुत से हैं। तो हमारी कौम जो है माशाल्लाह ताला बहुत तरक्की करती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या बात की जाए, सुनाने वाले की बात। देखिए क्या अभी आपने क्या देखा है कि जहां पर बरकत की बात आएगी हमें उसके पीछे लगाव रहता है, कशिश होती है। कोई भी मौलाना आके बरकत की बात करे ना तो कान एक की बजाय दो खुल जाते हैं, चलो इसमें कुछ मिल जाएगा। अब देखिए रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने
ارشاد فرمایا ان اللہ وضع اربعۃ فی اربعۃ, خدا بند کریم نے چار چیزوں کو کسی اور چار چیز میں رکھی ہے. فجعل برکت العلم فی تعظیم الاستاد, وجعل بقاء الایمان فی تعظیم اللہ, وجعل النجاۃ من النار فی ترک اذیۃ الناس, وجعل لذۃ العیش فی بر الوالدین. خدا نے چار چیزوں کو کہیں اور چار چیزوں میں رکھی ہے, ہمیں ایک سے کام ہے, باقی تین بعد میں. پہلی بات کیا کہی رسول نے, کہا خدا نے علم کی برکت استاد کی تعظیم میں رکھی ہے. گویا بتایا اگر استاد کی تعظیم نہ کی جائے گی تو آپ حضرات یہ توقع مت رکھنا کہ علم میں برکت ہوگی. تو استاد کی تعظیم کیسے کی جائے؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے کہ آپ علماء کرام تھوڑی منافقت سے کام لیتے, اور کبھی ہوتا بھی ہوگا انشاءاللہ, لیکن دعا ایسا نہیں ہوتا ہوگا. تو جہاں پر علماء کرام بیٹھتے ہیں, ایک عالم آئے گا تو اس کے عزت کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا وہ. ایک عالم بیٹھا ہے, دوسرا آئے گا, وہ اس کی عزت افزائی کے لیے کھڑا ہوگا. میں سوال یہ کرتا ہوں, کیا شریعت اسلام فقط علماء کے لیے آئی ہے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا رسول کریم کا؟ اگر ایک عالم دوسرے عالم کی اتنی عزت کرتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, عالم ہمیں جو سکھاتا ہے اس کی مریادا کہیں گے ہم, ہندی لفظ ہے, کیسے ہم کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا. ایک صلوات پڑھی محمد و علی محمد پر. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں من علمنی حرفا سیرنی عبدا, جنہوں نے مجھے ایک لفظ کی تعلیم دی انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. ارے بھائی علماء کرام نے ہم کو کیا نہیں سکھایا. علی کی ذات کہتی ہے منبر سلونی کا مالک کہ اگر کسی نے مجھے ایک لفظ سکھایا, من علمنی حرفا سیرنی عبدا, جنہوں نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی وہ مجھے اپنا غلام بنا دیا. یہ علی کہہ رہے ہیں, وہی علی کا حکم سنیے. ہم جو علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اسی علی نے حکم دیا ہے. نہج البلاغہ, مولا کائنات ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں قم لابی کا ولے استاد کا ولے معلم کا وان کنت امیرا, علی کا حکم ہے یہ, کہا کھڑے ہو جاؤ, قم لابیک, اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, والے معلم کا, اور تجھے جو تعلیم دیتا ہے تجھے علم عنایت کرتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَإِن كُنْتَ أَمِيرًا, چاہے تو امیر کیوں نہ ہو, امیر وہ نہیں جو پیسے والا ہے, مولا نے عربی میں بولا ہے, امیر مطلب گورنر, جو حکومت کا چلانے والا ہو. اپنا اردو یا گجراتی کا امیر تو بہت کم ہے, اپنے یہاں ہے امیر کوئی نام ہے, ہوگا نا 8-10 ہزار میں امیر تو کوئی تو ہوگا. تو سب سے پہلے ان کو مولا کہہ رہے کہ قوم تو اپنے آپ کو امیر کہتا ہے, باپ جب آئے کھڑا ہو جا, عالم جب آئے کھڑا ہو جا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, اس کا اثر کتنا ہوگا؟ الحمدللہ و تعالی مجھے معلوم ہوا کہ کچھ سال پہلے آپ کے یہاں بہت سے سال مسلسل سید عمار نقشوانی آئے ہیں نا آپ کے یہاں, وہ بار بار آئے, انشاءاللہ ہم بھی بار بار آئیں گے, بلائیں گے بار بار انشاءاللہ, تو ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسی ممبر سے انہوں نے یہ مجلس پڑھی تھی, اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری جو مجلس ہے اس کی عزت رسول نے کیسے کی ہے, اور کیسے اس کی عزت کرنی چاہیے یہ خدا نے بتایا ہے. اب تک میں روایتیں بتاتا چلا آ رہا ہوں, لیکن بعد آخر میں آ کر قرآن کی آیت میں آئے گی, پھر آپ کو عمل کرنا ہے تو کل سے کیجئے.
इसमें हमारी और हमारा ही फायदा है। रसूल अपने अस्हाब के साथ मदीने की गलियों में चल रहे थे और रसूल ने इरशाद फरमाया, कहा कि ये रास्तों में क्यों घूमते भटकते हो, इरताऊ फिर रियादुल जन्ना, यहां क्यों भटकते हो, कहा जाओ जन्नत के जो बागात हैं वहां जाकर घूमो फिरो। या रसूलुल्लाह, दुनिया में जन्नत के बाग कहां पर होते? तो रसूल ने दो जवाब दिए हैं, कहा एक, इन मजालिस अल-मुमिनूना रियादतुन मिन रियादिल जन्ना, जहां पर मोमिनीन जमा होते हैं, मजलिस वही लफ्ज है मजालिस अल-मुमिनीन, और दूसरी हदीस में रसूल ने इरशाद फरमाया मजालिस अज़-ज़िक्र रियाद मिन रियादिल जन्ना, जहां खुदा का जिक्र होता है वो भी जन्नत के बागात में से एक बाग होता है। तो अज़ान मोहतरम, आप अभी जन्नत में बैठे हो, चाहे मैं मालिक लगता हूं आपको, मालिक कौन है नहीं पता, जहन्नम का दरोगा, जन्नत के दरवाजे पे है रिदवान और जहन्नम में उसका नाम है मालिक। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में बैठे हो, चाहे मैं मालिक आपके सामने दिखने में आता हूं, लेकिन मैं यहां आया हूं, गुजराती में उसको कहते हैं मलम पट्टी के लिए नहीं, ये नहीं होगा हमसे, क्योंकि कौम के अंदर असर इसलिए नहीं होता कि जो हमारा उलमा का सिलेक्शन है वहां पर हमसे गलतियां और अख्ता हो जाती है। लेकिन पहले इल्म की बरकत खुदा ने कहां रखी है? उस्ताद की तादीम में। अब आए कुरान मजीद की तरफ, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, कुरान मजीद का सूरह, सूरह का नाम है सूरतुल मुजादला, चैप्टर 58, आयत का निशान है 11, 58 एंड 11। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشُدُوا فَانشُدُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ مِنكُمْ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ। اے لوگو، قرآن میں بھی لفظ مجلس یہاں پر آیا ہے ایک ہی، کہا جب آپ کو کہا جائے مجلسوں میں کہ جگہ کرو तो जगह करो, खुदा आपकी जगह जन्नत में बनाएगा, यफ्सहिल्लाहु लकुम। और अगर कहा जाए कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। जब शान नुज़ूल को हम देखेंगे तो पता चलेगा ये आयत तब नाजिल हुई है जब कोई बज़्म में कोई आलिम दीन दाखिल हुआ था, रसूल के ऊपर जिब्राइल अमीन नाजिल हुआ और कहा या रसूलल्लाह इस आयत को मुसलमानों को बता दो कि जब कोई आलिम आए तो उसके लिए खड़े हो जाओ। मैं ये नहीं कहता इतनी बड़ी जमात में इतने आलिम है किस किस के लिए खड़े होंगे, उसी में आधा घंटा निकल जाएगा। एक आदत अपना लीजिए, खुदा ने इल्म की बरकत ताजी में उस्ताद में रखी है। जब आलिम मिंबर पे तशरीफ लाता है, मैं अगर खड़ा हो जाता हूं उसकी ताजीम के लिए, एक तो मैंने आलिम को इज्जत दी, दूसरा खुदा वंदे करीम का जो हुक्म है उसको तामील दिया मैंने। और उसी वक्त अगर किसी बाहर से कोई आएगा और वो देखेगा कि इस कौम में उनके उलमा की इतनी इज्जत दी जाती है, ये कौम माशाल्लाह है, इनसे असर बाहर भी पड़ेगा। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, पहले बात हमारे सवाल के जवाब हमने दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी बात हमने जवाब दिया क्या, तअज़ीम अल उस्ताद। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अब जो बात आने वाली है उसके लिए सुनिए, यह सुनने वालों के लिए भी बात है और सुनाने वालों के लिए भी बात है। रिवायतों में मिलता है कि नबीउल्लाह ईसा के जो असहाब थे हवारी, वो आए, उन्होंने आकर रूहुल्लाह से सवाल किया, कहा या रूहुल्लाह मन नुजालिस,
रोहमा बताइए किसके साथ बैठ सकते हैं, कहां पर बज्म, ये बज्म अभी मुश्किल लफ्ज नहीं ना, उसको हम स्वाहिली में, क्योंकि यहां आकर हमने सीख लिया, बराजा कहते हैं। बराजा बोलते हो बाहर जहां पर बातें, बराजा लोग। अब बराजा कहां बनाने का है ये हमें नबीउल्लाह ईसा बताते। पूछा गया या रूहुल्लाह मन नजालिस, कहां पर जाकर बैठ सकते हैं, कौन सी वो मजलिसें होती है जहां जाकर हम बैठे, तो जनाब ईसा ने जवाब दिया, कहा वहां जाकर बैठो। मैं युज़क्किरुकुमुल्लाहु रुयतो وَمَنْ يَضِيفُ وَمَنْ يَضِيفُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُ وَمَنْ يُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةُ عَمَلُ। का उसकी बज़्म में जाकर बैठो जिसके ऊपर नजर करते ही क्या याद आ जाए, खुदा याद आ जाए। उसके पास जाकर बैठो जो अगर मंतक कुछ बोले, नुतक करे, तो उसका बोलना तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, वो बोले तो कुछ जानने का मिले, वहां जाकर बैठो। और उसका चाल चलन, मैं युज़क्किरुकुमुल आखिरा अमलो, उसका काम ऐसा हो जिसकी वजह से तुम्हें आखिरत की याद ताजा हो जाए। तो ये ऐसी मजलिस है जहां मुझे और आपको जाकर बैठना चाहिए, तो फिर मजलिसों का असर होगा। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, काल जुलसा व थलाथ, मजलिस तीन किस्म की होती है। जलीसुन यस्तफीदु मिनक फअक्रिमहु, व जलीसुन तस्तफीदु मिनहु फअल्ज़िमहु, व जलीसुन ला यस्तफीदु मिनका व ला तस्तफीदु मिनहु फअहरिबहु। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया मजलिस तीन किस्म की होती है, जिसके साथ बैठते हो वो तीन किस्म की होती है। एक मजलिस ऐसी होती है जिसमें बैठने वाला फायदा लेता है, जलीसुन यस्तफीदु मिनक, जिस मजलिस में लोग तेरे से फायदा उठाते, फाकरिम उनको इज्जत दो, हमारी गुजराती में उसका मान रखो। जलीसुन तस्तफीदु मिनहु फअल्ज़िमहु, जिसके साथ बैठने से तुझे फायदा होता हो उसको पकड़ के रख, उसको छोड़ना मत। जिससे फायदा हासिल होता हो उसके साथ ही बैठा करो और फायदा फायदा हासिल किया करो। और तीसरी मजलिस वो होती है न तुझे उनसे फायदा न उनको तेरे से फायदा, का वहां से ना भाग जा, फाहरिब, वहां से चला जा। अब अज़ीज़ान मुहतरम, इन तकरीरों का फायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि कभी कभी उलमाए किराम अपना काम अंजाम नहीं देते। कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं कि फकत आलिम आकर कौम के अंदर तरक्की ले आए, कभी कभी कौम की भी जिम्मेदारी बनती है। गुजराती में कहता हूं कि क्यारे क्यारे कौम नहीं पर जवाबदारी बने से कि आलिम ना कांस खेचे कि मौलाना आज तमे करी रिया छो ने बराबर नहीं, आ तमे जे पढ़ी रिया छो ने अमारा कौम माटे सारू नहीं, केम क्यों। देखिए हमारे यहां कहावत है गुजराती में कहवाई छे, जी प्यासो हो ने ई कुआ पासे जाए, कुओ प्यासा पासे ना जाए। तो आजकल के उलमाए किराम क्या कहते हैं, आपको कुछ पूछना है आप आए हमारे पास, हम क्यों आए। उलमा को ये याद रखना चाहिए, नहजुल बलागा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, इरशाद हो रहा है, आपने कहा मा अखद अल्लाह मिन अल जुहाल अन यतअल्लमू हत्ता अखद अल्लाह मिन अल उलमाए अन युअल्लमू। खुदा ने वादा पहले उलमा से लिया, इनसे पहले जाहिलों से नहीं लिया कि आप क्यों तालीम हासिल नहीं करते। इससे पहले खुदा ने क्या कहा, अखद अल्लाह मिन अल उलमाए अन युअल्लमू, मतलब क्या हुआ
कि उलमा को ये नहीं कहना चाहिए कि हम हैं कुआ और कौम है प्यासी तो वो लोग आए, नहीं। अली कहते हैं, खुदा कह रहा है कि पहले आलिम से पूछेगा तूने क्या सीखा, या बाद में जाहिल से पूछेगा तूने क्या सीखा। तो अब कैसे लोगों को आना चाहिए, बरकत इल्म की क्यों नहीं होती? दलील देता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरशाद है, आपने इरशाद फरमाया, सुनिएगा। आपने कहा ला तजलिसु عند كل عالم الا ويدعوكم من خمسة الى خمسة, ला तजलिसु عند كل عالم الا ويدعوكم من خمسة الى خمسة, हर किसी आलिम के बज़्म में मत बैठा करो जब तक या जहां तक वो तुम्हें पांच चीजों में से निकाल कर पांच दूसरी चीजों की दावत न दे। ये बात आ गई सिलेक्शन ऑफ उलमा। ये बात जो मैं कर रहा हूं, पहले खुदा से दुआ करता हूं कि मैं उन्हीं लोगों में से हो जाऊं जिनकी बात रसूल करीम कर रहे हैं। और कौम की जिम्मेदारी यह है कि ऐसे उलमा को दावत दी जाए जिसके अंदर ये पांच सिफतें हो, क्योंकि रसूल का हुक्म है कभी उस बज़्म में मत बैठा करो जब तक वो आलिम तुम्हें पांच चीजों में से निकाल कर पांच दूसरी चीजों के अंदर दाखिल न कर दे। इल्ला वयदउकुम मिन खमसतिन इला खमसा, पहली चीज मिन अश्शक इला यकीन, उसी आलिम की बज़्म में बैठा करो वो जो तुम्हारे शक को दूर करता रहे और यकीन की तरफ लाता रहे। अब टाइम खत्म हो गया भाई, आप इसका तदब्बुर कीजिएगा कितने उलमा हमारे दरमियान आए हैं जो जाते ही हमें शक व शुभा में डालकर चले गए, फला हराम है फला हलाल है, इतनी नई नई बात करके चला गया वो और कौम को आज पता नहीं। एक आलिम को पूछे तो जवाब ए आएगा, दूसरे को पूछे तो जवाब बी आएगा, तीसरे को पूछे तो जवाब सी आएगा। कहा उसी की बज़्म में बैठा करो जो तुम्हारे शक को यकीन में बदल दे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ऐसे आलिम की बज़्म में बैठा करो जो तुम्हारे अंदर का जो कीड़ा है, क्योंकि हमारे पांचवें इमाम ने रिया को कीड़े का नाम दिया है। सुनिए ना, मजलिस से बहुत सी सुनी होगी आपने, पांचवें इमाम ने कहा रिया जो है वो कीड़ी समान है, अंधेरे में जब चलती है तो दिखने में नहीं आती, रिया भी इंसान के अंदर आ जाता है उसी तरह जैसे एक काले रंग की काली रात में कीड़ी, ठीक है, नम काले पत्थर पर चली जाती है, किसी को दिखने में नहीं आती। कहा ऐसे कि बज़्म में बैठा करो जो तुम्हें रिया से इखलास की तरफ ले जाए। अरे मैं खुद रियाकार हूं, कौम को कहां चला ले जाऊंगा? मैं मजलिस से पढ़ता हूं ताकि नारे लगे, मैं मजलिस से पढ़ता हूं ताकि लोग मुझे बुलाए। और रसूल ने कहा ऐसे के बज़्म में बैठा करो जो तुम्हारे अंदर के रिया को कत्ल करके तुम्हें इखलास की तरफ ले जाए। यहां पर भी बहुत बोलने का है, कहने का है, इंशाअल्लाह वहां आइएगा हर रोज, वहां बहुत सी बात सुनने में मिलेगी। कहां पर? महफिल अब्बास में। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि बज़्म में बैठा करो जो तुम्हारे शक को खत्म करके यकीन की तरफ ले जाए, तुम्हारे अंदर के रिया को खत्म करके इखलास की तरफ ले जाए। वमिन रग़बते इला रुहबा, ऐसी की बज़्म में, ऐसे के बज़्म में बैठा करो कि जो कभी कभी तुम्हें डराए भाई, मुफ्त में जन्नत की चाबियां ना देखता हो, ये करो जन्नत मिल जाएगी, वो करो जन्नत मिल जाएगी, कभी थोड़ा डरा हो। कुरान मजीद में कहीं पर आया है कि कयामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा कि खुशखबरी देने वाला आया था या नहीं? नहीं, कुरान में यही सवाल आया, हल अताकुम नदीर, गुजराती में चेतावनी देवा वालों आई वो तो, बिवरा वालों आई वो तो, शेख मुइज आई वो तो,
કોઈ નહીં પૂછે જન્નતમાં જન્નતની મફતમાં ચાવી વેચવા વાળો આવ્યો તો નહીં. સવાલ એ હોગા હલ અતાકુમ નઝીર, આવ્યો તો યા નહોતો આવ્યો. ઇસલિયે રસૂલ ને કહા જો આકે થોડા તુમે ડરાય, જો થોડા તુમે સમજાય કે જન્નત બાપ કી જાગીર નહીં, જન્નત ઇતની સસ્તી નહીં જીતની બતાઈ જાતી હૈ, એસે કો બુલાઓ, એસે કી બઝ મે બેઠા કરો, મેન રગબત ઇલર રુહબા. ચોથા કહા મેન અલ કિબ્ર ઇલ તવાદુ, ऐसे को बुलाओ, ऐसी के बज्म में बैठा करो जो तुम्हारे तकब्बुर को तोड़कर तुम्हें खादा मुतवादा कर दे, तकब्बुर से निकाल कर तुम्हें गुजराती में नम्र बना दे. तवादो, हम्बल, मोडेस्टी. पांचवा, वमिन अल गश इला नसीहा, ऐसे को बुलाओ जो गश चोरी गपला चोरी बताएगा मौलाना कस्टम ऐसे 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 चोरी हलाल है, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के कस्टम ऐसे ऐसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करोगे तो मुश्किल नहीं. कहा ऐसे को बुलाए जो तुम्हें चोरी के मामले में थोड़ा रोके. मेनल गश्शे इलन नसीहा, नसीहत का मतलब यहाँ नसीहत हमारी गुजराती और उर्दू का नहीं है, यहाँ लफ्ज अरबी का है नुस्ह से, यानी क्लियर कर दे कि क्या हलाल है क्या हराम है. ऐसे नहीं मुभम मुभम बातें करे, कभी पता चले हलाल है, चेहरा देख के इसको देखा है, ये पैसे वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हाजी साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो बेचारा गरीब है तो उसके लिए हराम हो गया, वो पैसे वाले के लिए हलाल हो गया, गरीब के लिए किसका काम है? उलमाए किराम का. एक सलावत पढ़े मोहम्मद जी वाले मोहम्मद पर, तो अज़ान मोहतरम हमने जो सवाल पेश किया था इसकी ये दो तीन वजह हो सकती है और बहुत सी वजह है. इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद करीम हमें तौफीक दे कि ऐसे लोगों की बज्म में हम बैठा करें जिसकी वजह से हमारे इल्म में, ईमान में, नफ्स में तरक्की और इजाफा होता रहे. करबला के अंदर आइए, वहां भी आलिम को बुलाया गया, सुना है ना, किसी को खत लिख के बुलाया नहीं गया था, एक को बुलाया गया था, लेकिन अभी वो तारीख आई नहीं, वो तारीख आने में अभी देर है. आज हमारे मौला व आका मदीने से निकल रहे हैं, किस अंदाज से निकल रहे हैं, अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि आज हुसैन जब निकलने वाले थे तो हुसैन ने कह दिया कि कुछ लोग मेरे साथ नहीं आ पाएंगे. जब हुसैन ने फहरिस्त सुनाई तो एक बच्ची का नाम भी आ गया, कहा मेरे साथ मेरी सुगरा नहीं आएगी. एक बार जब जाने की तैयारी होने लगी तो हुसैन ने हर बीबियों से कह दिया था कि ऐ लोगों ख्याल रहे, जब भी सुगरा से खुदा हाफिज करना तो बहुत जल्दी जल्दी खुदा हाफिज करना. मैं कहता हूँ शायद हुसैन जानते थे, अरे ऐसा ना हो कि मेरी बेटी सुगरा किसी से शिकवा कर ले और बाबा के पास आकर वो सिफारिश कर ले. हर बीबियाँ सुगरा के पास गुजरती गई, कोई दुआ दे के चली गई, किसी ने सब्र की तलकीन की. आखिरकार एक मौका वो आया कि अब जनाब ज़ैनब बीबी सुगरा से खुदा हाफिज करने के लिए आ रही है. ज़ैनब भी जल्दी जाने में थी कि एक बार सुगरा ने जनाब ज़ैनब का दामन को पकड़ लिया और कहा फूफी अम्मा मुझे बस इतना बता दो बाबा मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं. बस हाँ आज़ादारो, बीबी ज़ैनब हुसैन के पास आई और कहा ऐ माजा या सुगरा को क्यों नहीं ले जा रहे, मेरा दिल कहता है शायद इमाम से मैं कहूंगा मौला सुगरा को साथ में ले जाइए, अगर सुगरा
बीमार है तो क्या हुआ, मैंने सुना है करबला में आपका बेटा भी बीमार था। ए मौला, सुगरा क्यों क्यों नहीं ले जा रहे? शायद जवाब आए, ए जाकिर मेरी सुगरा बहुत कम सीन है। मैंने कहा मौला, अरे आपके साथ छोटा असगर भी तो आ रहा है। लेकिन जवाब हकीकी कब मिला? जब जैनब ने भाई से पूछा, कहा मां जाया सुगरा को क्यों नहीं ले जा रहे हो? कहा जैनब, मेरी जितनी भी औलाद है अभी किसी की शक्ल मेरे बाबा जैसी है। अरे किसी की शक्ल अम्मा जैसी है। ऐ बहन जैनब, मेरी सुगरा की शक्ल मेरी माँ फातिमा जैसी है। हुसैन नहीं चाहता मेरी माँ की हमशक्ल, बेमकना वो चादर बाजारों में घुमाई जाए। ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.